सेटिंग्स जो इस घर में हमने सोच के देखा था कि अगर किस तरह का होगा, स्टडी के अंदर एक कलेक्शन हो सकता है कुछ व्हीकल्स का जो उस टाइम पे थी, और स्पेशली अगर हैंड ड्रॉन है ये मोस्टली, ऐसा इनका इफेक्ट है। पेंटिंग्स भी ब्लैक एंड वाइट, घड़ी भी पेंडुलम टाइप की। ये एक फायर एस्केप टाइप ऑफ स्टेयरकेस है जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जा रहा है। स्विच बोर्ड्स और लाइटिंग भी सोचा, उसी तरह का सोचने की कोशिश की है। स्विच बोर्ड इधर इस तरीके के हैं जो एक तरह का टाइम पीरियड को डिपिक्ट करते हैं। बस साड़ी के लिए किधर रही? नहीं नहीं कूदो मैं। हाँ कूद सकते हो। चलो आ जाओ नीचे। भाई फोन घर लगा वो चीजें पता है ये क्या है? इससे हम बात कर सकते हैं, किसी को नंबर लगा के बात करना चाहती हो अपनी मम्मी से? हमारी मम्मी के घर पे है ये? अभी गांव में पूरी तरह तार बिछी नहीं है, पर एक दिन जरूर बिछ जाएगी। पता तुम क्या कर सकती हो? सुबह चंदा मामा को देख सकती हो तुम, रात को देखेंगे ठीक है? ये हाँ दिखाइएगा। हाँ देखने का एक्टिविटी कुछ करने को यहाँ से देखो वहाँ से देखो। एक व्यूवर्स को देख लिया कैमरे। देखो 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 ऐसे 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 होल्ड हाँ होल्ड 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 चंदा मामा। हाँ अभी फिर से चंदा मामा। चंदा मामा दिखे कौन देता वहाँ कहीं होंगे? अब दिखे रात के समय सूर्य से प्रकाश पड़ता है चंदा मामा पर। लेट हर सिट उसके बाजू में होंगे एंड देन ही यू कीप आस्किंग हिम कि ये क्या है, देन ही विल टेल कि ये चेस बोर्ड था उस जमाने पे, दिस इज वॉर। या तो तुम तो बराबर हो गई। एक एक मैं यहाँ से नहीं। या दो ठीक है। पूछो क्या पूछना है? ये रॉय चौधरी खानदान का पुराना पुष्टही झूमर है। झूमर पता है क्या होता है? नहीं। यहाँ से उजाला आता है घर पे। तुम्हारे घर की तरह थोड़ी है बस दिए से उजाला। हमारे यहाँ झूमर से उजाला आता है। पसंद आया तुम्हें? हाँ। तुम्हारे ही घर का है ये छोटी सी दिन उठाइए। ये छोटी सी केतली है,
चाय पीती हो? नहीं। बैरिस्टर बनने के बाद पीना, तो इसी में तुमको चाय देंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपका कोई फेवरेट कोना है सिटिंग रूम का? मेरा फेवरेट कोना स्टडी में ही था, और सिटिंग रूम में त्रिलोचन काका बैठते हैं, तो त्रिलोचन काका से बड़ा डर लगता है सबको। उनका दबदबा काफी है घर पे, उनसे सिर्फ वंदिता बात कर सकती है। त्रिलोचन काका से तर्क करने की जो साहस है वो सिर्फ वंदिता में ही है और किसी में नहीं। तो करोगी ना त्रिलोचन काका से तर्क? हाँ, से फर्क मिटाऊंगी। वाह, तो तर्क से मिटाने फर्क आ रही है वंदिता। बैरिस्टर बाबू में सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। बुलाओ सबको। बैरिस्टर बाबू जरूर देखेगा, हम जल्दी मिलने आ रहे हैं आपसे। गुड, थैंक यू। ओपन। नमस्ते, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी और ये हमारी बॉन्दिता। तो आपका स्वागत है बंगाल के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट तुलसीपुर के इस बड़े से घर में। तो आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ और साथ ही साथ बॉन्दिता को भी दिखाता हूँ, वो भी पहली बार हमारे घर पे आई है। आओ बॉन्दिता। तो ये हमारे घर का भव्य एंट्रेंस है, और इस घर के बारे में और बताने के लिए मैं हमारे सेट डिजाइनर को बुलाऊंगा। हॉल के छोटे से शहर के एक ग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश की है, इस स्टोरी को सेटअप करने के लिए, जिसमें उस समय लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार और क्या अनइक्वल राइट्स का बहुत ज़्यादा टाइम था। तो इस घर से ये कि ये घर काफ़ी प्रॉस्परस और रिच है, तो इसके अंदर वही रीति रिवाज चल रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं घर काफी बड़ा है। बोंदा, कैसा लग रहा है छोटी सी कुटिया से इस बड़े घर में आने के बाद? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, तुम इसी घर में रहने वाली हो, इसी घर में सब कुछ होने वाला है, और वहीं पर पढ़कर बोंदा बनेगी तुलसीपुर की बैरिस्टर बाबू। तो ये अनिरुद्ध का स्टडी है, इसके बारे में और मैम आपको बताएंगी एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें। ये स्टडी हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर की, जो उस समय का मिक्स आर्किटेक्चर था, फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग और वॉलपेपर इफेक्ट के साथ, इनसेट शेल्स वुडन शेल्स के साथ, और ट्राई किया है कि उस टाइम का एक रिक्रिएशन करने की कोशिश की है। फर्नीचर भी कार्व्ड और ऑर्नेट है, रेक्सी लेदर फिनिश्ड अपहोल्स्टर्ड सोफाज है। ट्राई किया है कि एक टाइम पीरियड प्रिडिक्ट दिखा सके, जहाँ पे हम बिलीव कर सके कि ये कहानी उस समय की चल रही है। ओके, तो आने से थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्या कुछ कोने डोज यूज होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए तो उस टाइम पे जिस तरह से इंक पॉट्स और इंक पेन्स यूज़ किए जाते थे, तो वो उस तरह से होते थे यूज़। इसके अंदर इंक डाल के, ये पेपर होल्डर था जिसको पेपर होल्ड करने के लिए, ये भी एक तरह का इंक भरने का वो था पॉट, जिसके अंदर आप पेन डिप करते थे और फिर उससे लिखते थे। तो ये उस टाइम का है। ये कंपास जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी उस समय डायरेक्शंस के लिए, बॉक्सेस, ये पेपर वेट और सील्स हैं यहाँ पे एक तरीके के, जो कि इस टाइम के लिए भी यूनिक है उनके उसके, और ये एक तरह के ग्लासेस देखने के लिए हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं लंदन से बैरिस्टर बन के आया हूँ। हाँ। सीखने की जरूरत, और सीखने आई है अभी बोनिता हमारे घर पे, जो तुलसीपुर की बैरिस्टर बनेगी। हाँ। इसी कुर्सी पर बैठेंगी बोनिता बैरिस्टर बनने के बाद, और बैरिस्टर बनने से पहले यहीं पर बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है, ये सारी किताबें पढ़नी है तुम्हें। तो तुम रेडी हो ना पढ़ने के लिए बोनिता?
पढ़ाई करोगी ना इतनी सारी? बिल्कुल, अभी तो इतनी डायनामिक यंग वुमन तो बनेंगी फिर पढ़ के। जितने सारे सवाल पूछती है कि औरतों के लिए साथ ऐसा क्यों अन्याय होता है, ये होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ममता के सारे सवालों का जवाब इन किताबों में है। मैं तो दूंगा ही, पर इन किताबों की मदद से ही दूंगा। जितने जो तर्क हैं जिससे फर्क मिटने वाला है, उन सारे तर्क का जो सोर्स है वो इन किताबों से आएगा, और इन्हीं किताबों के बल पर बोनता बनेगी तुलसीपुर की बैरिस्टर बाबू। अरे यहाँ पे कभी सीक्वेंस से शूट हुए कुछ चीजें भी यूज़ की कभी? तो ये बाइनोक्युलर्स हमने भी यूज किए थे एक सीन में, जो मुझे बड़े स्टाइलिश लगे। मतलब दिखते ही इतने अच्छे हैं कि इन्हें यूज करने की जरूरत ही ना पड़े पड़े में। एक्चुअली ये यूजेबल है। जैसे ये अभी हमने जो स्पेक्स देखेंगे, इतनी स्टाइलिश चीज़ है। मतलब 1920 में लोग इतने स्टाइलिश होते थे, मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता। और बोनता, इसी में अगर तुम पढ़ के थक जाओ, तुम्हारी आंखें दुखने लगे, तो तुम इससे देख के पढ़ो, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लो तुम एक बार, ताकि तुमको इन्हीं से क्या, बड़ी बड़ी किताबों में अक्षर छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी मदद पड़ सकती है। तुम अभी बूढ़ी हो जाओगी ना समय के साथ, तो शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े। अच्छा, आपकी कोई यहाँ इसमें से फेवरेट चीज़ है एंटीक चीज़ों में? यही मेरी फेवरेट बन गई है। इससे ज़्यादा फेवरेट क्या है? कौन था आपकी कोई फेवरेट चीज़ इन सारी चीज़ों में से? फोन बाहर पे लगा हुआ है। उठा के देखो बेटा, फोन भी देखो, उठा के चीजों को देखो। बुक लेकर बैठ के पढ़ते लिखते तो विजुअल। गाँव में बैलगाड़ी के अलावा भी कितनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, ये देखो। मैं इसी से लंदन में इसी से मैं ट्रैवल किया करता था। ये गाड़ी पसंद आई तुम्हें? इसके बाद जो अब जो हमारे पास गाड़ी है ना, वो हरे रंग वाली, तुम्हें पसंद है बोलने का वो गाड़ी? बोनता को बहुत पसंद है वो गाड़ी। बोनता अपने मम्मी को मिलने बहुत जल्दी पहुंच गई थी। अगर बैलगाड़ी से जाती तो कम से कम 4 दिन लग जाते उस दिन, याद है कि नहीं? उस दिन हम उस गाड़ी से गए तो बोनता सिर्फ 1 दिन में अपनी मम्मी से मिल ली। ये सारी किताबें पढ़नी है तुम्हें, कभी बोर हो जाओ तो तुम देख सकती हो तुम कितनी सुंदर दिखती हो। सिर्फ दिखाना दिखाना उसको नहीं दिखेगा, ये क्या है? इसे सैंड क्लॉक कहते हैं। ये समय देखने के काम आता है। जब तुम पढ़ाई करोगी ना, तो ऐसे ही लगा दूंगा और बोलूंगा इतने समय में एक किताब पढ़कर खत्म करना है। पढ़ोगी कि नहीं? बनना है ना तुलसीपुर की बैरिस्टर बाबू? हाँ।
पढ़ना पड़ेगा कितने समय में एक किताब, ठीक है, और जब समय पूरा हो जाएगा तो इसे फिर से घुमाएंगे, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, फिर चौथी किताब, फिर पांचवी किताब। कितनी किताबें? ढेर सारी किताबें। बैरिस्टर बाबू बनने के लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ोगी ना? ये शतरंज का खेल है, इसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? ये होता है राजा, ये होती है रानी, ये ऊंट जो सिर्फ टेढ़ी चाल चलता है, और ये घोड़ा, घोड़ा दिख रहा है कि नहीं, घोड़ा जो ढाई चाल चलता है, एक दो और ढाई, और ये हाथी है, और ये सारे सैनिक। सीखना चाहोगी शतरंज? हाँ। बटुक के साथ खेलोगी या मेरे साथ? चलो मैं सिखा दूंगा। हाँ बोलो बोलो। आपके साथ? मेरे साथ? तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम बटुक को सिखा दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे साथ खेलना, तुम बटुक को सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है। ताली बजाओ, जीत गई तुम। फिर से बजाओ, करके ताली बजा। हाँ। चल, बोलो। हाँ, गया डांस में दोस्त। लेकिन अब ये थोड़ा मूड डांस है। क्या? हाँ। ये तो पुराने जमाने का फोन है। एक्चुअली हम सेल्फ पे वॉलपेपर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए वर्क नहीं करता। पर हम लोग ने बहुत डिसाइड किया कि हमें वॉलपेपर चाहिए क्योंकि वॉलपेपर एक तरह का लुक जनरेट करता है जो ऑटोमेटिकली हमें उस एरा में ट्रांसपोर्ट कर देता है। पहले वो लोग हैंड पेंटेड वॉल इफेक्ट करते थे, तो चूज़ किया कि इस तरह का वॉलपेपर के एक वर्ल्ड क्रिएट करे, एक माहौल क्रिएट करे इस कहानी के लिए। थैंक यू। क्या यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद, यहाँ से बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद बोंदिता तर्क करेगी त्रिलोचन काका से, त्रिलोचन काका बोंदिता तर्क करेगी त्रिलोचन काका से, और त्रिलोचन काका कहाँ बैठते हैं पता है? हमारे घर के बैठक में। तो दिखाएं इनको बैठक। फोन है, इसे यूं कान पे रखकर बात कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नंबर घुमा के, ऐसे लगाओ नंबर, घुमाओ नंबर पूरा पीछे तक। ऐसे तुम इसे कान पे रख के बात कर सकती हो। आवाज आ रही है अभी? किससे बात करना चाहोगी अपने फोन पर? माँ से। माँ से? क्या पूछोगी माँ से? माइकल से। केक कब तक आओगे आप? माँ को याद आ रही है? हाँ। कितनी? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? तो हम माँ को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है? तो हम बैठक के बारे में बताते हैं। मैं बैठक के बारे में
तो ये लिविंग रूम सिटिंग रूम का वर्जन है उस टाइम के पीरियड के लिए। इसमें जो हमारे तरफ से मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सोफ़ा सीटिंग है जो वॉल कैबिनेट और सीटिंग के साथ मर्ज किया हुआ है, जो उस टाइम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर फर्नीचर डिज़ाइन का पार्ट है। और इस तरह के जो पर्दे हैं ये उस टाइम के काफ़ी टिपिकल होते थे, जैसे कि बाहर से अंदर ना देख सकें। तो एक लेयर, बहुत सारे लेयर्स ऑफ कॉटन होते थे, टॉप पे भी वैसा है फिर उसके नीचे। और शोकेसेस जो है वो भी एक तरह का ओल्ड विंटेज स्टाइल शोकेस है जो उस टाइम का टिपिकल वर्जन है। काफ़ी चीज़ें सोर्स की गई हैं और काफ़ी चीज़ें बनाई भी गई हैं उस टाइम पीरियड को रखते हुए, जैसे कि इस तरह का टेबल क्लॉथ जो है वो उस टाइम के लिए, जब क्रिश्चियनिटी आई थी तो उनकी जो नन थी वो वहाँ वेस्ट बंगाल में स्पेशलाइज करती थी, उनको टीच करती थी, तो अभी तक अभी स्पेशली वहाँ से सोर्स किया गया है क्योंकि उसका ट्रेडिशन। बाकी फर्नीचर भी उस तरीके के टाइम फ्रेम को माइंड में रखते हुए यूज़ किया गया है फैब्रिक के साथ, जैसे कि एक म्यूटेड वोवन फैब्रिक वाली फील आए, टैपेस्ट्री टाइप के चैंडलर्स कैंडल लिट आइडियली है, मतलब बल्ब इनके अंदर ऐसे लगाए गए जैसे कि कैंडल लिट इफेक्ट दिया जाए। उल्टा